पाकिस्तान कभी भी भारत को अपनी हवाई सीमा में घुसने नहीं देता, लेकिन जब वो मुसीबत में होता है तो उसे सबसे पहले भारत की याद आती है और वो भारत के सामने रोने लगता है। अब एक बार फिर से ऐसा ही कुछ हुआ। दरअसल पाकिस्तान की एयरलाइंस का विमान भारतीय हवाई सीमा में 10 मिनट तक रहा, जिसके बाद भारत में हड़कंप मच गया। हुआ ये कि लाहौर हवाई अड्डे पर भीषण बारिश हो रही थी और उसी वजह से उसकी एयरलाइंस का एक विमान लैंड करने में नाकाम रहा और फिर वो 10 मिनट तक भारतीय हवाई सीमा में घूमता रहा और भारत के पंजाब में 120 किलोमीटर की उड़ान के बाद पाकिस्तान लौट गया। जो स्थानीय मीडिया रिपोर्ट सामने आई है उससे मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सरकारी विमान सेवा कंपनी की मस्कट से आ रही उड़ान PK-248 जब 4 मई की रात 8 बजे लैंडिंग के लिए लाहौर हवाई अड्डे पर पहुंची तो वहां भारी बारिश हो रही थी। बता दें पाकिस्तानी पायलट ने 8:05 पर अल्लामा इकबाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट को लैंड करने की कोशिश की, लेकिन अचानक बोइंग 777 विमान अस्थिर हो गया और वो लैंड नहीं कर सका। इसके तुरंत बाद ATC के निर्देश पर पायलट ने गो अराउंड अप्रोच शुरू किया, लेकिन भारी बारिश और कम ऊंचाई के बीच इस दौरान वो रास्ता भटक गया और देखते ही देखते वो विमान रात को 8:11 पर पंजाब के बदाना थाने के पास भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया। अब जैसे ही बोइंग 777 विमान भारतीय सीमा में घुसा तो उसकी रफ्तार लगभग 292 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और वो करीब 13,500 फुट की ऊंचाई पर उड़ा था और फिर पाकिस्तानी विमान अमृतसर से 37 किलोमीटर दूर छीना बिदी चंद गांव के पास भारत में घुस गया। अब इस घटना में आगे क्या हुआ ये भी जान लीजिए। दरअसल पाकिस्तानी विमान भारत के पंजाब में तारण साहब और रसूलपुर होते हुए नौशेरा पन्नुअन तक पहुंचा और फिर उसके बाद विमान वहां से मुड़ गया। हालांकि जब वो मुड़ा तब तक वो करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। अब जैसे ही भारतीय हवाई सीमा में पाकिस्तानी पायलट ने अपने विमान को पहुंचाया तो वो करीब 20,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। पाकिस्तानी विमान भारतीय हवाई सीमा में 7 मिनट तक रहा और फिर भारत के पंजाब के झग्गिया नूर मोहम्मद गांव से पाकिस्तानी सीमा में वापस चला गया। लेकिन इसके बाद खेल खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तानी विमान पाकिस्तान स्थित पंजाब के कसूर जिले के दूनम बोकी चाट धूपसारी कसूर और घाटी कलंजर गांव के रास्ते से वापस एक बार फिर से भारतीय सीमा में घुस गया। खैर उस वक्त पंजाब बॉर्डर पर हड़कंप जैसी स्थिति हो गई क्योंकि पाकिस्तानी एयरलाइंस की विमान का अचानक भारतीय सीमा में घुसना अपने आप में ही बड़ी बात है। हालांकि भारत की ओर से किसी तरह का कोई भी नुकसान पाकिस्तान, जो ये दिखाता है कि भारत शांति प्रिय देश है, वो पाकिस्तान के आतंकवाद और उसकी नीतियों के खिलाफ है। अब आप क्या कहेंगे कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।